गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, तो आप भी अपनी इंग्लिश वन की बुक निकालिए और उसमें देख लीजिए आज हम क्या करेंगे। तो इसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपका न्यू लेसन, जो कि है ट्रीज़ आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ट्रीज़ मतलब पेड़, जो कि हमारे क्या होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए लेसन, आप बुक खोलिए पेज नंबर 58 और इसमें ध्यान से सुनिए। इट्स अ संडे आफ्टरनून, सोनालीज फ्रेंड्स हैव कम होम। इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग, दे कैन नॉट प्ले आउटसाइड। सोनालीज ग्रैंडपा आस्क देम नॉट टू फील सैड। ही कॉल्स देम एंड सेज, आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। इट्स अ संडे आफ्टरनून, मतलब संडे का दिन है, आफ्टरनून का टाइम है संडे का। सोनालीज फ्रेंड्स हैव कम होम, सोनाली के जो दोस्त हैं वो लोग संडे के दिन घर पे आए, लेकिन अचानक से क्या होने लग गया, बारिश स्टार्ट हो गई। दे कैन नॉट प्ले आउटसाइड, वो लोग बाहर भी खेलने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि बारिश होती है, तो बारिश में बच्चे लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर क्या हो गया, सभी लोग क्या हो गए, दे कैन नॉट प्ले आउटसाइड, वो लोग बाहर खेलने नहीं गए। सोनालीज ग्रैंडपा आस्क देम नॉट टू फील सैड, तो तभी सोनाली के दादाजी ने बोला कि आप लोग दुखी मत होइए बच्चों। सब उन्होंने सबको बुलाया, दादाजी ने सबको बुलाया, और आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, और उन्होंने उन बच्चों से बोला कि यहाँ पे आओ सभी बच्चे और मैं तुम्हें कुछ क्या बताऊँगा, इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ट्रीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट मदर अर्थ हैज़ गिवन अस। जो हमारी पृथ्वी है, जिसे धरती माँ बोलते हैं हम, धरती माँ क्या है, हमारी धरती माँ जो है उसने हमें क्या दिया है, हमारे जो सच्चे मित्र हैं, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हमें धरती माँ ने दिए हैं। और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है, पेड़, ट्रीज़। दे आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारे सच्चे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज़, जो पेड़ हैं वो हमारी बहुत तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं। कैन ईच वन ऑफ यू टेल मी वन ऑफ यूज़ ऑफ ट्रीज़, क्या तुम में से एक एक करके मुझे ट्रीज़ के यूज़ बता सकता है कोई, दादाजी ने बोला बच्चों से। लेट अस बिगिन विद सोनाली, चलो हम सोनाली से शुरू करते हैं, दादाजी ने कहा। सोनाली, अब सोनाली क्या बोलती है, देखो। दे गिव अस वुड, वुड इज़ यूज इन मेकिंग हाउसेज, बॉक्सेज, टूल्स एंड इवन एज फायर वुड। तो सोनाली ने, जो सोनाली के समझ में आया, सोनाली ने कहा कि जो पेड़ होते हैं वो हमें लकड़ियाँ देते हैं, लकड़ियों से हम घर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, एंड इवन एज फायर वुड, और फायर वुड भी हम उससे यूज़ करते हैं, एज अ फायर वुड भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है आग जलाने के लिए। श्रेया ने कहा, दे प्रोवाइड अस विद मेडिकल हर्ब्स, हमें उससे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। रेखा ने क्या कहा, ट्रीज़ गिव अस शेड, रेखा ने जवाब दिया कि दादाजी हमें ट्रीज से क्या मिलती है, छाया मिलती है। तभी अंकिता ने बोला, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज़, हमें फल मिलते हैं पेड़ से। चारू ने कहा, ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद नट्स, रबर, ऑयल एंड गम्स, तो चारू ने बताया कि दादाजी हमें खाने के लिए नट्स मिलते हैं, रबर मिलता है, तेल मिलता है, गम्स मिलते हैं हमें उससे, ठीक है। मोना ने कहा, ट्रीज़ प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, मोना ने कहा कि जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड्स को भी उसमें क्या मिलता है, घर मिलता है अपने लिए, नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ग्रैंडपा ने बोला, देख लीजिए, ग्रैंडपा ने कहा, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर यूजेस, क्या तुम कुछ और यूज़ भी बता सकते हो, तो श्रेया ने कहा, वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज़, हमें पेपर मिलता है पेड़ों से, विदाउट पेपर वी वुड नॉट बी एबल टू रीड एंड राइट, पेपर के बिना हम क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं। ग्रैंडपा वॉज वेरी हैप्पी, जो दादाजी थे वो बहुत खुश हो गए। ग्रैंडपा ने बोला, आई विल नाउ टेल यू अबाउट सम मोर यूजेज ऑफ ट्रीज़, ये तो बच्चों ने बताया, अब दादाजी ने बोला कि मैं भी अब आपको क्या बताऊंगा, कुछ और यूज़ बताऊंगा पेड़ों के, ठीक है। अब देखिए, दे हेल्प टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, पेड़ों से क्या होता है, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, पेड़ क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो एयर होती है उसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं और हमें ताज़ी हवा देते हैं। दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड गिवन आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सांस लेने के दौरान, वो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे कॉज रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ रेनफॉल भी अच्छा होता है, बारिश होती है अच्छी मात्रा में।
दे प्रोटेक्ट द वाटर रिसोर्सेज अंडर द ग्राउंड. पानी को क्या करते हैं ये पेड़, पानी को एज अ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स ज़मीन के अंदर इकट्ठा रखते हैं जब बारिश होती है. देयर रूट्स बाइंड द सॉयल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. और क्या करती हैं, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, एक होल बनाए रखती हैं उसमें जब बारिश आती है तो जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है जब बारिश के दौरान ज़्यादा कोई डर नहीं होता क्योंकि मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं तो मिट्टी धंसने का कोई डर नहीं होता. ठीक है. ट्रीज़ ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट. ट्रीज़ फ्लड, फ्लड मतलब होता है क्या, जब बारिश आती है तो क्या आती है, बाढ़ आती है, उसको भी रोकते हैं पेड़. डू यू नो मैनी ऑफ आवर ट्राइब्स लिव इन साइड फॉरेस्ट विच हैव ट्रीज. हमारी जो बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहती हैं, आज के दिन भी, आज जो समय है उस टाइम पर भी जो हमारी कुछ ट्राइब्स हैं वो जंगलों के अंदर रहती हैं, घने जंगलों में उनके घर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते हैं. ट्रीज़ आर इंडीड अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड. भगवान ने हमें क्या दिया है, ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए एक नेचुरल गिफ्ट है, बहुत ही सुंदर. इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम. ये हमारी एक ड्यूटी है, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इनकी क्या करें, रक्षा करें. ट्रीज़ आर अवर लंग्स, विदाउट देम देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. ये हमारी क्या है, लंग्स. ट्रीज़ आर अवर लंग्स, ये हमारे एक तरीके से लंग्स हैं. विदाउट देम देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर पेड़ ना हो तो दुनिया क्या होगी, कोई भी जीवित नहीं रह सकता. ऑल द चिल्ड्रन बिकम सीरियस. और जो सभी बच्चे थे दादाजी की बात सुन के क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, गंभीर हो गए. चिल्ड्रन, वट कैन वी डू टू सेव ट्रीज. अब बच्चे बोल रहे हैं दादाजी हम क्या कर सकते हैं पेड़ों को बचाने के लिए. तो ग्रैंडपा ने बोला वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट टीच पीपल अबाउट देयर इम्पॉर्टेंस, हमें लोगों को उसकी इम्पॉर्टेंस बतानी चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, उसकी क्या आवश्यकता है हमारे लिए, लोगों को बताना चाहिए. वी मस्ट ट्राई अवर बेस्ट टू ग्रो मोर ट्रीज, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे जो पेड़ों की संख्या है वो क्या हो, बढ़ती रहे. वी कैन सेव ट्रीज बाय नॉट कटिंग देम, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए ताकि उनकी क्या हो, वो पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, कम होते जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि पेड़ को काटने से रोकना चाहिए. सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट टू सेव ट्रीज. उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था जिसका नाम है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट. आपकी बुक में लिखा है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये किया गया है गौरा देवी के द्वारा. ठीक है. टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए. गौरा देवी जो है वो क्या थी, वो पेड़ पे चिपक गई थी. इसमें आपको एक लेडी की पिक्चर दिख रही है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी बुक में, ये सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है. इसको हम उसको कट कर दीजिए. सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, वो गौरा देवी है. गौरा देवी ने क्या किया, जब लोग पेड़ काटने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों को पकड़ के उस पर चिपक गए, ताकि अगर आप पेड़ काटोगे तो आपको पहले क्या करना है, मुझे, मेरे ऊपर आपको वार करना होगा, उसके बाद ही आप पेड़ को काट सकते हैं. ठीक है. व्हेन ट्री फेलर्स केम टू चॉप ट्रीज पीपल टाइटली क्लैप्स द ट्रीज. उन्होंने जैसे ही पेड़ काटने के लिए लोग आए तो वो लोग पेड़, लेडीज जो थी वो पेड़ पकड़कर खड़ी हो गई, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द ट्रीज टू बी कट, जिससे कि वो पेड़ ना कट सके. गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द वन महोत्सव मूवमेंट. सरकार ने भी एक साल में एक बार जो होता है वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्लांटेशन किया जाता है. वी शुड नॉट वेस्ट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज. जो भी हमें प्रोडक्ट पेड़ों से मिलते हैं उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. दिस विल रिजल्ट इन लेस ट्रीज बींग कट डाउन. इससे क्या होगा, पेड़ों के कटने का जो एक सिलसिला है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है. ऑल द चिल्ड्रन थैंक ग्रैंडपा एंड प्रोमिस हिम दैट दे विल मेक ट्रीज देयर ट्रू फ्रेंड्स. तो तभी सभी बच्चों ने, जब दादाजी के मुँह से ये कहानी सुनी तो सभी बच्चों ने दादाजी से प्रोमिस किया कि हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, पेड़ों को कटने नहीं देंगे, उनकी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे. इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, दे रश आउट टू प्ले इन द गार्डन. तभी क्या हुआ, बारिश रुक गई और सभी के सब बच्चे क्या है, खेलने के लिए गार्डन में चले गए. तो ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट, ट्रीज अवर बेस्ट फ्रेंड. तो आपने क्या करना है, इसको एक बार आपने रिवाइज करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो देख के इसको एक बार क्लियर कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ओके.